शिवपुरी मध्य प्रदेश में नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आठवें दिन भी यह हड़ताल जारी है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शिवपुरी जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को आज मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मनोज भार्गव और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पिपलोदा द्वारा नैतिक समर्थन दिया गया। आज दोनों संघ के जिलाध्यक्ष संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे धरने पर पहुंचे और अपनी ओर से नैतिक समर्थन दिया। मनोज भार्गव हूँ, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष। अच्छा, आज आपने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के धरना स्थल पर आकर समर्थन दिया, किस तरह से आप इनकी समस्याओं को उठाएंगे? देखो, इनका जो आंदोलन चल रहा है वो 16 तारीख से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हुआ था, इसके बाद इनका आंदोलन तेज हो गया है और इनकी जो 2 सूत्रीय मांगे हैं, हम संयुक्त मोर्चा की तरफ से, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से, हम इनका पूरा समर्थन करने आए हैं। और जब तक ये हड़ताल करेंगे, जब इनका पूरा समर्थन देंगे, और हम जो नियमित कर्मचारी हैं, एक दिन का अवकाश लेकर इनके धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। क्या अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आप सब लोग मिलकर क्या? बिल्कुल, काम करना बंद है। अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, सभी जगह LTD ऑपरेशन में उसमें समस्याएं आ रही हैं, आपकी OT में समस्याएं आ रही हैं, आपके क्षेत्र में फील्ड की जो महिलाएं टीकाकरण हो रहा है उसमें समस्याएं आ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे हैं, बहुत स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। और अगर ऐसा रहा तो पूर्णतः कलमबंद हड़ताल होगी, तो शासन को मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ हमको देना पड़ेगा।